हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में यार आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर पीसी। देखो यार, ये जो वीडियो है ना, कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई। यहाँ पे जो मैं सॉफ्टवेयर खुद यूज करता हूँ ना यार, वही सॉफ्टवेयर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि यार देखो, इस कीवर्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा सर्चेस होते हैं इंटरनेट पे, और आजकल कंटेंट क्रिएटर भी यार बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर भाई इंक्रीज हो रहा है, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबको मालूम ही होगा, ठीक है, जो भी कॉन्टेंट क्रिएशन करता है भाई, तो ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गूगल में लोग जाकर के यार स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करते हैं, और आधे से ज्यादा जो सॉफ्टवेयर होता है भाई वो पेड होता है। अगर कोई फ्री सॉफ्टवेयर हमें मिलता भी है तो उसमें भाई लिमिटेशन होता है कि 1 मिनट तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने पीसी की स्क्रीन को, 2 मिनट तक कर सकते हो। तो ये सारे झंझटें नहीं चाहिए, वाटरमार्क का भी काफी बड़ा इशू होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा ना भाई, ये आपके पीसी में पहले से ही मौजूद है, लेकिन भाई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। और तरह तरह के सॉफ्टवेयर भाई इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं, तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस सॉफ्टवेयर को मैं खुद यूज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस तरह से आपको अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना, सारी चीजें बताऊंगा। तो गाइस, अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना यार, वो आपके पीसी में ही है। देखो, जब भी आप कोई नया लैपटॉप वगैरह बाय करते हो ना, तो प्री इंस्टॉल यार आपके सिस्टम में भाई एमएस ऑफिस तो आपको मिलता ही होगा, जिसमें एमएस वर्ड होता है, फिर एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपके पावर पॉइंट के ही अंदर है। चलिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, वीडियो को ज्यादा लंबा मैं आपको करूंगा नहीं, बेसिक सा सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। तो आपको कोई भी पेड वगैरह सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिंपली पावर पॉइंट को ओपन कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लैपटॉप के अंदर ओपन कर रखा है, ठीक है। तो अब किस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करना है वो प्रोसेस में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप ओपन करोगे तो आप होम टैब पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको ना यहाँ पे रिकॉर्ड का सेक्शन मिलेगा, और ये जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ पावर पॉइंट, ये 2021 है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपको 2021 में मिलेगा। मे बी अगर आप 2007 यूज कर रहे हो तो यार उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो एमएस ऑफिस का है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप अभी मार्केट में कोई भी लैपटॉप बाय करने जाओगे तो वहाँ पे प्री इंस्टॉल आपको लेटेस्ट वर्जन, और वो भी बिल्कुल फ्री, स्टूडेंट वर्जन जो होता है वो फ्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको रिकॉर्ड का एक सेक्शन मिलेगा, बस इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है। देखो, ऑलरेडी मैं इस स्क्रीन को अभी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है भाई वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डल दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। देखो, टॉप पे जैसे मैंने कर्सर लाया तो यहाँ पे देखो पॉज और स्टॉप का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप एरिया भी प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन आएगा और रिकॉर्ड पॉइंटर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री है भाई। ऐसा करता हूँ ना, मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके मैं आपको मोबाइल फोन के थ्रू यार दिखाता हूँ किस तरह से आपको रिकॉर्डिंग को अनेबल करना है। तो थोड़ा सा यार देखो, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, मोबाइल से मैं करूंगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ। मैंने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं आपको लाइव मतलब कि रिकॉर्डिंग अनेबल करके दिखाता हूँ यार, पावर पॉइंट आप किस रिकॉर्ड को अनेबल कर पाओगे। देखो, आपके सामने मैंने अभी स्टॉप किया था, तो जो हमारी वीडियो है, जो रिकॉर्डेड वीडियो है गाइस, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है, वो सेव होकर के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, जिसका हम फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब आपको नया रिकॉर्डिंग जैसे करना है तो आप किस तरह से करोगे, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पावर पॉइंट को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना, और रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। और देखो, इस बार यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपके सामने जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे पूरा एरिया को सेलेक्ट रखा है। तो यहाँ पे आपके सामने टॉप पे देखो कुछ ऑप्शंस आ गया है, ठीक है, रिकॉर्ड का आ गया है। यहाँ पे देखो, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे है सेलेक्ट एरिया, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह का कर्जर आपके सामने बन के आ जाएगा। तो आप जितने एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, उतने एरिया को आप इस कर्जर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पूरे पीसी को रिकॉर्ड करना चाहते हो, पूरे डेस्कटॉप को, तो आप कॉर्नर से पूरा ये सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो, सिंपली आपके सामने फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है इस रिकॉर्ड का वो आ जाएगा। बस जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है गाइस, देखो आफ्टर 3 सेकेंड वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी रिकॉर्डिंग भाई यहाँ पे जो मतलब कि लैपटॉप है गाइस, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे आप कर्जर टॉप पे ऊपर ले जाओगे, तो देखो यहाँ पे आपको पॉज स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करोगे, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाएगी, और आपका जो वीडियो है वो सेव हो जाएगा यहाँ पे देखो पावर पॉइंट में। तो इस तरीके से गाइस, आप मतलब कि फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो पीसी का। तो इस तरीके से
गाइस आप अपने पीसी के जो स्क्रीन है गाइस उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके। और यहाँ पे किसी भी तरह का आपको वाटरमार्क वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, 100% ये फ्री है, ठीक है। इसे आपको सेव करने के लिए अपने स्टोरेज में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखो सेव मीडिया एज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना पाथ सेलेक्ट करके जहाँ इस वीडियो को सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव करके आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज कर सकते हो। देन आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, क्या पता उन्हें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और साथ में जो बेल आइकन है भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।